मौरिका और आप देख रहे हैं एनबीयू न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। इंटरनेट पर छाई आलिया भट्ट की हमशक्ल। कनाडा के मिनिस्टर सिंह कपिल शर्मा की मस्ती बीटीएस फोटो में ठहाके लगाते दिखे दोनों। आईआईटी ने तैयार किया गजब का सिस्टम, बिना बिजली के घर होगा ठंडा। मुंबई में बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोकल ट्रेन व बस सेवा भी प्रभावित। वीवो समेत चीनी कंपनियों पर बड़ा एक्शन, देश भर में 44 ठिकानों पर ईडी का छापा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 19 जुलाई तक नामांकन। नेपाल के रामेछाप में भीषण सड़क दुर्घटना, 9 की मौत, 30 घायल। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस। दिल्ली में 12 वर्षीय बच्ची से 16 साल के रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने के 7 महीने बाद हुआ खुलासा। रामनगर पहुंची, पर्यावरण को बचाने के लिए अजय की साइकिल से 4000 किलोमीटर की यात्रा। उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष की पहली बार लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। किच्छा में संविदा कर्मचारियों ने बैठक कर तमाम समस्याओं पर की चर्चा। लोहाघाट में बस संचालकों द्वारा ओवरलोड सवारी लाने पर भड़के टैक्सी संचालकों ने कार्रवाई की मांग। रामनगर के वन विभाग धूमधाम से मना रहा वन महोत्सव। हरिद्वार में 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामनगर में अवैध रूप से बने रिसोर्टों और होटलों पर प्रशासन की नजर, पैमाइशी जारी। लोहाघाट में देव डांगरों के पवित्र स्नान के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का हुआ शुभारंभ। कालाढोंगी में हाथियों के झुंड ने धापला गांव में मचाया उत्पात। उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा बैठक की। लक्सर में तहसील दिवस पर आई कुल 34 शिकायतों में से आधा दर्जन से अधिक शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। लोहाघाट में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रशासन ने की बड़ी छापेमारी, 32,000 के किए चालान। किच्छा में सड़क किनारे खड़ी स्कूल बस को ट्रक ने मारी पीछे से टक्कर, कई बच्चे घायल। हरिद्वार में नगर निगम के सहयोग से महिला समूह ने बनाई बांस की बोतलें और चटाई। सितारगंज में दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।